तो सिग्नेचर्स पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं सिग्नेचर्स, है ना। हर जगह सिग्नेचर भी तो काम करते हैं। किसी पेपर पे प्रॉपर्टी बेचनी हो, लेनी हो, कोर्ट में करने हो, बैंक अकाउंट्स खोलने हो, इवन बच्चों के लिए स्कूल्स में, है ना, सिग्नेचर्स होते हैं ना। बेसिकली आप क्या समझते हो सिग्नेचर्स? हाँ चंद्रिका जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ अपनी आइडेंटिफिकेशन। आपकी आइडेंटिफिकेशन कि हाँ आपने अपना ठप्पा लगा दिया, सील लगा दी अपनी, है ना। ग्रेट। तो बेसिकली हमारे जो सिग्नेचर्स होते हैं वो हमारा आइडेंटिफिकेशन ही होते हैं, हमारी एक तरह से सील, राइट। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाती हूँ इसमें। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस क्लास। बेसिकली हम किन चीजों के ऊपर काम करते हैं? शेयर माय फुल स्क्रीन, आप लोगों को सबको इजी होगा समझने को। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते विनोद जी। अब क्या होता है, हम लोग सारे दिन में कई चीजें देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ये बात तो इन जनरल अभी काफी लोगों को समझ आने लगी है, राइट। इज इट ओके इफ आई यूज हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, है ना। तो किसी को हिंदी समझ आएगी, किसी को इंग्लिश आती है अच्छे से समझ में, तो आई यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, होता क्या है, आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, आप जिस तरह से बिहेव करते हो, सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हो, इमोशंस अपने शो करते हैं। प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। आपके मूड्स होते हैं, आज मैं अभी मेरा मूड नहीं है ये काम करने, आज नहीं कल करें, ये सब आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं ना। कि आपका एटीट्यूड, किस कुछ लोगों के साथ आप बहुत घुल मिल के बात करते हो और कुछ लोगों के साथ एकदम से रूड हो जाते हो, है ना, और अपने ओपिनियंस रखते हो, राइट। ये हम सब करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब चीजों का सिग्नेचर से क्या मतलब, राइट। क्वेश्चन आया मन में कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस का सिग्नेचर से क्या लेना, किस किस के आया। देखिए यहाँ ये इंटरैक्टिव क्लास है, सो थोड़ा बातें भी करेंगे और थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए एक बात बताएं, सब लोग बताएंगे, प्रॉब्लम्स किस किस एरिया में आती हैं हमें लाइफ। हाँ जी बताएं, इन व्हाट वेज और एस्पेक्ट्स ऑफ आर लाइफ वी फेस प्रॉब्लम्स। हाँ जी, एवरी स्टेज एवरी स्टेज, क्या क्या सेक्टर्स हैं थोड़ा सा बता पाएंगे। जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो वहां हमारे कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, घर में हमारे जो बड़े छोटे हैं सबके साथ, कहीं पे भी जाओ तो ये सब तो होता ही रहता है। छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्बेंसेस या डिफरेंसेस ओपिनियन। हाँ, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। मैं आपकी बातों में से वर्ड्स निकाल रही हूँ, ओके। तो कभी कभी रिलेशनशिप्स हो गए, कभी एंगर इश्यूज हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, है ना। फिर बड़ों और छोटों के बीच में एक जो सिंक होना चाहिए वो नहीं है, कभी कभी चीजें छुपाते हैं, हम बताना नहीं चाहते, अपनी पर्सनैलिटी को ओपन नहीं करना चाहते। किसी की शॉप है या बिजनेस है तो वहां पर सेल्स नहीं कर पाते क्योंकि कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं घरों में, बाहर फ्रेंड सर्कल में, ये सब चीजें होती हैं और ये बहुत कॉमन यस ट्रेट्स है, राइट। मैम। ये इन जनरल सब लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ। तो आप लोगों को एक मैजिकल चीज बताती हूँ, आपका सिग्नेचर ये सब बता देता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो।
राइट? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में समझेंगे कि क्यों हमारा सिग्नेचर इतनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो मैंने जो थोड़ा सा आपको सबकॉन्शियस की जो बात करी थी ना, वो इसीलिए करी। क्या होता है, आप जाते हो, निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो या घर में भी रहते हो, बहुत सारे एनकाउंटर्स होते हैं। एनकाउंटर्स एज ए, क्या आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, है ना? घरों में सुबह से लेकर रात तक आप बहुत लोगों को मिलते हो, और हर एक इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन लेवल अलग हो। आपका दिन अलग टाइप से शुरू होता है, कुछ काम आप अच्छे से कर लेते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फिक्स हैं, और हम उसी के हिसाब से काम करते हैं, राइट? ऐसे करते हैं ना, सुबह उठे, हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। बड़े कुछ लोग अपने बड़ों, घर के जो बड़े होते हैं, उनके पैर छुएंगे जाके, हम उनको गुड मॉर्निंग या नमस्ते करेंगे, फिर अपना नहा धो के फिर किचन में जाएंगे, कुछ ऐसे ही चले जाएंगे। तो कुछ पैटर्न्स हमने अपनी लाइफ के सेट कर, तो वो किसी ना किसी कारण से तो किए होंगे ना कहीं तो वो स्टोर्ड है ना, कि हाँ बिना सोचे वी जस्ट डू थिंग्स। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, यही आपके फिजिकल एस्पेक्ट, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, आपके बाहर जो वर्ल्ड है उसमें शो होते हैं, है ना? कैसे होते हैं, अब ये बात पे हम बात करें। हमारे जो हाथ होता है ना, हमारे जो हैंड होते हैं, रमेश जी सिखाने ही सिखाएंगे ही, लेकिन उसके पहले उसका बेस सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है ना? बातें नहीं होती है, कंप्लीट कोर्स होता है। अब क्या होता है, कैसे सिग्नेचर्स क्यों इफेक्ट करते हैं और क्यों करने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जान। क्योंकि सिग्नेचर्स, आप पेन उठाए, आपने कर दिया, हाँ ठीक है, हमने सीखा था उस पैटर्न पे, आपने कर दी, लेकिन क्या आपको पता है यही सिग्नेचर्स आपके लाइफ में आपके सक्सेस का कारण होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर जगह आपका जो हैंडराइटिंग पैटर्न होता है वो काम आता है, और वो रिप्रेजेंट करता है आप। और एक और मजे की बात आपको बताती हूँ, अगर आप अपने इस हैंडराइटिंग के पैटर्न को थोड़ा चेंज कर लेते, तो आपका सबकॉन्शियस का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, और आपकी लाइफ भी उसी तरह से चेंज होने लगती है। ओके, तो चलिए अब किस तरह से ये होता है ये बताते हैं।